हमें क्वेश्चन में गिवन है अ नंबर डिवाइडेड बाय 68 गिव्स द क्वेश्चन 269 एंड द रिमाइंडर 0। अगर हम किसी नंबर को 68 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइजर गिवन है, कितना दे रखा है 68, और डिवाइड करने पर जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना आता है, वो आता है हमारा 269, और रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 0। तो क्वेश्चन में बोला है इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 67 देन द रिमाइंडर विल बी, अगर हम उसी नंबर को 67 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो डिवीजर हमें कितना गिवन है 68, क्वेश्चन कितना गिवन है 269, रिमाइंडर कितना गिवन है 0। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगा 18292, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, यानी हमारा नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इस नंबर को 18292 को किससे डिवाइड करें 67 से तो रिमाइंडर क्या होगा, तो डिवाइड कर देख के देखते हैं, ये टूजा पे जाएगा 134 माइनस करेंगे 48 आया, 9 उतारा, 7 जा पे जाएगा 469 माइनस किया, ऊपर से 2 उतारा 13 जा पे जाएगा 201, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप चाहें तो इसकी जगह एक अल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड बताने जा रही हूँ। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, तो जो हमारा डिविडेंड है वो किसके इक्वल था 68 मल्टीप्लाई बाय 269 प्लस 0। अब हम 68 को ब्रेक करते हैं, हमें क्या चाहिए था नंबर 67 चाहिए था, तो 68 को 67 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 68 को हम क्या लिख सकते हैं 67 प्लस 1, 12 में 269 दिया हुआ है, अभी 269 एक बार फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा एक बार सेकेंड नंबर से, तो 67 मल्टीप्लाई बाय 269 प्लस 269 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमें इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करना है 67 से डिवाइड करना है, तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करें, यानी एक बार 67 इसके नीचे लें और एक बार 67 इसके नीचे लें, तो ये जो नंबर है 67 इंटू 269 ये तो पूरा 67 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बचिया क्या 269 डिवाइडेड बाय 67, तो हमें सिर्फ इसको डिवाइड करके देखना है कि इसको अगर हम 67 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं 269 डिवाइडेड बाय 67, तो फोर्जा पे जा रहा है 268, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या बचा 1। यानी यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उस नंबर से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें 269 क्वेश्चन गिवन था और उसे हमें 67 से डिवाइड करना था, ठीक है, तो 269 को हमने 67 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो वही हमारा आंसर होगा।